हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो हमने दो टाइप्स देख लिए थे। हमने फर्स्ट देखा था अलोंग एक्रॉस ट्रैक और दूसरा देखा था हमने अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। आज हम थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे, साइड लुकिंग और ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल जनरली रडार होता है। और रडार के जो टाइप्स होते हैं जैसे SLAR, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास साइड लुकिंग और ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम का है। तो हम इसको पूरा डायग्राम के साथ देखेंगे, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साइड लुकिंग स्कैनिंग सिस्टम इज एन एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम। साइड लुकिंग नाम से पता चल रहा है कि ये जो सेंसर्स होते हैं वो ना तो परपेंडिकुलर और ना पैरेलल देखते हैं, वो थोड़ा साइड में स्कैन करते हुए जाते हैं। तो और जो इसका जो मेन एग्जांपल है वो जनरली रडार है। और रडार आपको मैंने पहले ही बता रखा है, वो एक एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम, एक्टिव सेंसर पर काम करता है। एक्टिव का मतलब क्या था कि जो अपना एनर्जी सोर्स खुद से रखते हैं, मीन्स खुद से एलिमिनेट, मीन्स खुद से हमारे पास EMR को जनरेट करते हैं। जो नेचुरल सोर्स होता है जैसे सन होता है, उसके बेसिस पे नहीं, खुद का जनरेट करते हैं EMR, और फिर जो टेरेन से इल्यूमिनेट होता है उसको वापस डिटेक्ट करते हैं। जो एनर्जी रिटर्निंग बैक होती है टेरेन से एंड रिकॉर्ड रिटर्न इमेज, और फिर उसके एक इमेज के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। तो साइड लुकिंग जो स्कैनिंग सिस्टम है वो जनरली एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम है, मैंने ये याद रखना। और एक्टिव का एग्जांपल कौन सा, रडार है। और एक्टिव कैसे काम करता है वो आपको पता ही है कि खुद से EMR को जनरेट करते हैं और फिर वापस से वो उसको जो रिटर्न बैक होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसको डिटेक्ट करके इमेज क्रिएट करते हैं। देयरफॉर रडार इमेजरी इज रिसीव्ड बाय कलेक्टिंग एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पल्स सेंट आउट फ्रॉम रडार इक्विप्ड इन द एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट। तो जो रडार होता है वो हमारे पास EMR को जनरेट करके टेरेन के पास भेजता है, फिर जो रिफ्लेक्ट बैक होती आती हैं, जो पल्सेज होती हैं, उनको मेजर करता है और कलेक्ट करता है। उसके बेसिस पे हमारे पास इमेजेस क्रिएट होती है, हमारे पास रडार होता है वो इमेज क्रिएट करता है। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, जैसे एक्टिव का होता है वैसे ही एग्जाम्पल जो हमारे पास ये साइड लुकिंग स्कैनिंग सिस्टम का है। उसके बाद देखा जाए तो साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार SLAR इज़ द वन ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ द रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स फॉर द used for obtaining radar images of the terrain. The main components of the SLAR including, तो जो हमारे पास इसके components होते हैं, एक तो एंटीना होता है, इसके अंदर एंटीना होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद डुप्लेक्सर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है हमारे पास, पल्स जनरेटिंग डिवाइसेज होती है हमारे पास, और कैथोड रे ट्यूब हमारे पास, प्रोसेसर होता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास ये जो स्कैनर है वो जो हमारे पास है पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, पहले जनरेट कर रहा है खुद से हमारे पास EMR को ट्रांसमिट कर रहा है। उसके बाद ये जो शॉर्ट एरो है, नैरो एरो है, वो हमारे पास क्या है शो कर रही है, रिटर्न पल्स को शो कर रही है। तो सिंपल बेसिक सा प्रिंसिपल है, ये एक एक्टिव सेंसर है हमारे पास। अब इसमें जितने भी हमने इसके जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनके हम वर्क देख लेते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो इन दिस सिस्टम द रडार एंटीना सेंड्स, तो जो सबसे पहले रडार एंटीना का क्या काम है कि सेंड्स द रडार पल्स टू द ग्राउंड एंड रिसीव द रडार रिटर्न फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे आगे क्या हमारे पास एंटीना है, जिससे हमारे पास ये पल्सेज ट्रांसमिट होती हैं और जो रिटर्न बैक होती हैं उन पल्सेज को ये मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। तो एंटीना का काम पता चल गया। उसके बाद आता है हमारे पास डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड द प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन रडार रिटर्न एंड ट्रांसमिटेड बीम्स। तो जो हमारे पास जो इंटरफेरेंस जनरेट होता है, जनरली मतलब के ट्रांसमिट हुई हमारे पास रेडिएशन और हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होके डिटेक्ट हुई, तो उनके बीच में जो इंटरफेरेंस जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करता है, एलिमिनेट करता है। तो एक डुप्लेक्सर का काम है इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करना। फिर हमारे पास है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, रिकॉर्ड द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ द रडार रिटर्न। तो रिसीवर का काम है वो जो रडार का पल्स का जो रिटर्न होता है वो कितनी इंटेंसिटी है उसकी और किस टाइम पे वो वापस आ रहा है, तो ये रिसीवर का काम है रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। आल्सो एम्पलीफाइज द वीक पल्स रिसीव्ड बाय द एंटीना, तो जो वीक पल्स होती है उनको भी एम्पलीफाई करता है। तो इनके वर्क आप समझ लोगे तो आपको ये फिर से एक बार मैं समझाऊँगा और डायग्राम के बेसिस पर, तो आपको पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। पहले हम एक एक पार्ट्स के जो उनके कॉम्पोनेंट्स हैं उनका वर्क देख लेते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो जो रिसीवर रिकॉर्ड है, दिस रिसीवर है, दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ द टेरेन अपीयर्ड ऑन एन इमेज
फाइनली रडार रिटर्न मे बी डिस्प्लेड ऑन ए कैथोड रे ट्यूब एंड गेट रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म और इन द मैग्नेटिक टेप। तो जो भी हमारे पास रिसीवर ने रिकॉर्ड किया मीन्स इंटेंसिटी जो आई रडार रिटर्न की, उसके बेसिस पर इमेज क्रिएट होती है हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स से हमारे पास रिटर्न बैक होगा, तो उस बेसिस पर हमारे पास हम फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जो ये इमेज क्रिएट होती है वो जनरली डिस्प्ले किसके ऊपर होती है, तो कैथोड रे ट्यूब के ऊपर होती है। तो CRT का मेन वर्क क्या है हमारे पास, डिस्प्ले करना इमेज जो जनरेट हो रही है उसको डिस्प्ले करना। और जो डेटा है हमारे पास वो रिकॉर्ड किसके अंदर होता है, फिल्म में या फिर मैग्नेटिक टेप्स में। तो अभी हम फिगर फिर से देखेंगे तो आपको हर एक कॉम्पोनेंट का वर्क और डायग्राम पूरा क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल एन इमेज क्रिएटेड इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रडार पल्स डेट इज रिटर्न फ्रॉम द अर्थ ऑब्जेक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इमेज क्रिएट होती है वो कैसे, कि हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ की पल्स रिटर्न बैक होकर पहुँच रही है और हमारे पास कितने टाइम पर पहुँच रही है, इसका फंक्शन है। मीन्स अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं और अर्थ ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ द रडार सिस्टम्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द रडार बीम विड्थ ऑफ द माइक्रोवेव पल्स जनरेटेड बाय द सिस्टम। और हर एक मीन्स इमेज का एक रिजोल्यूशन होता है, तो रडार सिस्टम का रिजोल्यूशन हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो रडार बीम की विड्थ है माइक्रोवेव पल्स जनरेटेड बाय द सिस्टम उसके बेसिस पर, जो रडार बीम की विड्थ है उसके बेसिस पर हम रिजोल्यूशन डिफाइन करते हैं रडार सिस्टम का। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो, रेंज किलोमीटर इंटू वेव लेंथ डिवाइडेड बाई एंटीना अपर्चर। इसकी यूनिट आप देखोगे तो मीटर में आएगी हमारे पास। तो रेंज कितनी है उसकी रडार बीम की विड्थ इंटू वेव लेंथ डिवाइडेड बाई एंटीना अपर्चर। तो ये तीन चीज़ें अगर हमें पता है तो हम रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस बेसिस पे हमारे पास हो सकता है कि गेट में क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि रडार सिस्टम के लिए हमारे पास रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, उसका रेंज इन किलोमीटर इंटू वेव लेंथ इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एंटीना अपर्चर इन मीटर। तो ये तीन चीज़ें हमें पता होंगी तो हम रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। द रेंज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द पल्स ऑफ द माइक्रोवेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एंटीना टू इल्यूमिनेट द स्ट्रिप्स ऑफ द लैंडस्केप इन द लुक डायरेक्शन। तो हमारे पास जो रेंज की डायरेक्शन होती है मीन्स हमारे पास एक तो ये साइड लुकिंग देखता है, तो साइड लुकिंग तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो पल्सेस की डायरेक्शन है जो माइक्रोवेव ट्रांसमिट कर रहा है या फिर रडार ट्रांसमिट कर रहा है एंटीना से, तो वो हमारे पास क्या रेंज डायरेक्शन कहलाती है। जिस डायरेक्शन में जैसे ये हमारे पास है, अगर आप ये डायग्राम में देखोगे तो साइड लुकिंग स्कैनिंग सिस्टम क्या है हमारे पास, ये एंटीना है, एंटीना जो जनरेट करता है हमारे पास EMRs को, तो वो देखिए ये जो है साइड लुकिंग में हमारे पास रेडिएशंस को जनरेट कर रहा है, तो ये हमारे पास स्कैनिंग डायरेक्शन है हमारे पास। तो ये हमारे पास रेंज डायरेक्शन भी हुआ हमारे पास, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारे पास एंटीना जो है EMRs को एमिट कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज डायरेक्शन कहलाती है। वाइल लुक डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एजिमथ और एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में ये हमारे पास मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो हमारे पास लुक डायरेक्शन कहलाता है। तो रेंज डायरेक्शन अलग है और ये हमारे पास रेंज डायरेक्शन है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास लुक डायरेक्शन है हमारे पास। तो ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। पहले हम इसका एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम के ऊपर जाएंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। रेंज डायरेक्शन मे बी नियर और फार रेंज। इन नियर रेंज द ट्रांसमिटर पल्स लाइज क्लोज टू द एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ एंड हैंस हैव शॉर्ट ट्रेवल टाइम, बट इन फार रेंज पल्सेज आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड हैव लॉन्ग ट्रेवल टाइम। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी चीज़ है कि जितना ये हमारे पास क्या है, ये दूर तक जा रही है हमारे पास, अगर मान लीजिए ये कोई एयरक्राफ्ट की पोजिशन है उससे अगर ये क्या है हमारे पास फार रेंज हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई नियर रेंज हो गई, तो इस वेव को वापस रिफ्लेक्ट बैक होके एंटीना के पास पहुंचने में कम टाइम लगता है और ये जो हमारे पास फार रेंज है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले ये डायग्राम देखते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि ये हमारे पास एंटीना होता है और ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये रिफ्लेक्ट बैक करता है पल्सेज को, तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट या फीचर्स को
आइडेंटिफाई कर पाते हैं इमेज के अंदर। तो रडार के जो एंटीना है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास वो रिफ्लेक्ट बैक होकर पल्सेस क्रिएट होती हैं, वो डिटेक्ट होती हैं। उसके बाद जो डुप्लेक्सर है, ये तो पल्स जनरेटिंग डिवाइसेज है और जो पल्स को जनरेट करता है हमारे पास। तो डुप्लेक्सर का क्या काम था, डुप्लेक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्विच था जो हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले एंटीना का काम हमें पता है, जनरेट करता है और डिटेक्ट करता है। उसके बाद डुप्लेक्सर हमारे पास इंटरफेरेंस को कम करता है, ट्रांसमीटर पता ही है ट्रांसमिट करता है, पल्स जनरेटिंग डिवाइस पल्स को जनरेट करता है, फिर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और ये इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करता है। उसके बाद रिसीवर का काम होता है, रिसीवर क्या करता है हमारे पास, मेन काम रिसीवर का होता है कि जो भी डेटा आता है उसके टाइम की इंफॉर्मेशन कितने टाइम में आ रही है, उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी, जो कि हमारे पास इमेज क्रिएट करने के लिए या फिर रिजोल्यूशन निकालने के लिए यही दो इम्पोर्टेंट है। तो रिसीवर ही है हमारे पास टाइम को कैलकुलेट करके नोट करता है और इंटेंसिटी कितनी आ रही है। फिर जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स में सेव होती है और जो डिस्प्ले होती है वो हमारे पास प्रोसेसिंग होने के बाद CRT कैथोड रे ट्यूब में डिस्प्ले होती है। तो सिंपल सी एक ये हमारे पास इंटरनल फीचर्स होते हैं जो दिखते नहीं है, एक सिस्टम में होते हैं बॉक्सिंग सिस्टम में। तो हमारे पास जो मेन सिस्टम दिखता है वो सिर्फ एंटीना दिखता है जो कि जनरेट करता है पल्सेज को या EMR को जो ट्रांसमिट करता है। उसके बाद हमारे पास जो भी आउटपुट होता है प्रोसेसर के थ्रू इमेज क्रिएट हो जाती है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेंज इंटू वेवलेंथ, और इनकी यूनिट रेंज किलोमीटर में है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई एंटीना अपर्चर। अब जैसे कि एंटीना है हमारे पास इस डायग्राम में, अब ये हमारे पास फार रेंज हो गई हमारे पास जो दूर है एंटीना से, और ये हमारे पास नियर रेंज हो गई हमारे पास, और ये जो जिस डायरेक्शन में हमारे पास पल्सेस जनरेट हो रही हैं उस डायरेक्शन को रेंज डायरेक्शन कहते हैं, और जो फ्लाइट के परपेंडिकुलर होता है उसको हम फ्लाइट के जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, लुक डायरेक्शन कहते हैं, उसको हम लुक डायरेक्शन कहते हैं। तो रेंज डायरेक्शन हमें पता है जिस डायरेक्शन में पल्सेज जनरेट हो रही हैं उन डायरेक्शन को रेंज डायरेक्शन, अब वो नियर रेंज भी हो सकती है फार रेंज भी हो सकती है, और लुक डायरेक्शन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द एजुमिथ ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन। तो ये वाला जो जिस डायरेक्शन में ये फ्लाइट मूव कर रही है उस डायरेक्शन में और साइड लुकिंग जो हमारे पास EMR जनरेट हो रही है उस दोनों के बीच का गैप को डिप्रेशन एंगल कहते हैं। तो डिप्रेशन एंगल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जो है 1 मार्क के देखे हैं जो डिप्रेशन एंगल को पूछते हैं। तो डिप्रेशन एंगल की आपको डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से लेकर जिस रेंज डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन में हमारे पास EMR जनरेट हो रही है ट्रांसमिट हो रही है उस डायरेक्शन को उस एंगल को क्या कहते हैं, उन दोनों एंगल के बीच को डिप्रेशन एंगल कहते हैं हमारे पास। तो डिप्रेशन एंगल आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल पता है कि एक पिक्सल का कितना एरिया कवर करता है ग्राउंड पर, वो ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल हो जाता है। अब ये फार रेंज है दूर, नियर रेंज है पास, ये लुक रेंज डायरेक्शन है हमारे पास। तो सारी चीज़ें हमारे पास नाम से पता चल जाती हैं। तो SLAR के अंदर हमारे पास मेनली उनके कंपोनेंट्स और उनका वर्किंग सिस्टम कैसे रहता है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं थर्मल रिमोट सेंसिंग। थर्मल रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी इसके स्कैनर्स हैं उनके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले थर्मल रिमोट सेंसिंग, थर्मल जहाँ पर भी वर्ड आए जैसे स्पेक्ट्रल वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, थर्मल हमारे पास हीट से रिलेटेड होता है। तो जहाँ पर थर्मल चीज़ आए तो आपको हीट के बारे में सोचना है। थर्मल स्कैनर्स बिलोंग टू द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम्स, दीज स्कैनर्स सेंस द थर्मल इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये स्कैनर जो है थर्मल इंफ्रारेड पोर्शन पर वर्क करते हैं। थर्मल स्कैनर डू नॉट रिकॉर्ड द ट्रू इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बट रिकॉर्ड द पैटर्न ऑफ द रेडियंट टेम्परेचर वेरिएशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो जनरली एक ऑब्जेक्ट के अंदर के टेम्परेचर को मेजर नहीं करते, टेम्परेचर मतलब हीट, मैंने आपको बताया थर्मल का नाम है टेम्परेचर या हीट से। तो ये ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल टेम्परेचर को रिकॉर्ड नहीं करते, जनरली हमारे पास क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है तो उसके बेसिस पर इमेज क्रिएट करते हैं या फिर
रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस दे सेंस एनर्जी एमिटेड रादर देन द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो रेडिएंट टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट्स का वो वेरी करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या है, वो जो टेम्परेचर एमिट होता रहता है मीन्स उससे रिलेटेड जो भी रेडिएशंस एमिट होती है उनको डिटेक्ट करता है। तो ये क्या है, हम कोई रेडिएशंस को भेज नहीं रहे हैं, ट्रांसमिट होकर वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही हैं। हमारे पास क्या है, जो एमिट हो रही है उसके टेम्परेचर के और हीट के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ाया था कि जिसका टेम्परेचर हमारे पास 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो रेडिएशंस को एमिट करता ही करता है। तो उसी टेम्परेचर के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर होता है डिफरेंट रेडिएशंस एमिट होती हैं, उन रेडिएशंस को वो डिटेक्ट करता है थर्मल सेंसर, वो रिफ्लेक्टेड वाले रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं करता है। देयरफॉर थर्मल स्कैनर कैन ऑपरेट डे और नाइट। तो वो रेडिएशंस हमारे पास दिन में भी निकलती हैं, रात में भी निकलती हैं, कोई एनर्जी सोर्स चाहिए नहीं तो हमारे पास इन दोनों ये जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं उनको हम दिन में भी यूज कर सकते हैं और रात में भी यूज कर सकते हैं। थर्मल स्कैनर यूज फोटो डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट एमिटेड थर्मल रेडिएशन। और वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, फोटो डिटेक्टर यूज करके। द डिटेक्टर्स आर कूल एट टेम्परेचर्स क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो इन ऑर्डर टू लिमिट देयर ओन थर्मल एमिशंस। तो जो डिटेक्टर्स होता है उसको हम जनरली टेम्परेचर को, जो डिटेक्टर्स का टेम्परेचर होता है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो के क्लोज रखते हैं, जिससे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर है उससे जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं सिर्फ उसी से हमारे पास जो इमेज क्रिएट हो मीन्स जो आउटपुट हो उससे एनालिसिस बेटर हो सके। अगर उसके अंदर डिटेक्टर्स की भी टेम्परेचर की रेडिएशंस या डिटेक्टर का टेम्परेचर वेरी करेगा, बार बार अलग अलग डिटेक्टर्स का टेम्परेचर वेरी करेगा, तो हमारे पास इमेजेस का और फिर उसका एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो जो डिटेक्टर्स का टेम्परेचर हम रखते हैं वो क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो रखते हैं। थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर्स स्कैन द टेरेन इन द एक्रॉस ट्रैक मोड। तो ये जो हमारे पास किसके स्कैनिंग सिस्टम यूज करते हैं, एक्रॉस ट्रैक मोड हमारे पास यूज करते हैं ये थर्मल। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि थर्मल स्कैनर किसके एग्जांपल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्रॉस ट्रैक के एग्जांपल लैंडसैट की सीरीज थी, MSS और TM, तो वैसे ही हमारे पास एक थर्मल स्कैनर भी, थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर भी हमारे पास एक्रॉस ट्रैक मोड का एग्जांपल है। ये थर्मल एयरबोन इंफ्रारेड स्कैनर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ए रोटेटिंग शाफ्ट विच इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन। अब पता है आपको कि एक्रॉस ट्रैक में क्या होता है, हमारे पास एक मोटर होती है और रोटेटिंग शाफ्ट होती है स्कैनर से अटैच, तो जो हमारे पास रेडिएशंस को मींस जो भी एमिट होंगी उनको डिटेक्ट करता है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक मोटर और रोटेटिंग शाफ्ट होती है हमारे पास जैसे कि एक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम में होती है। बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर माउंटेड इन द एयरक्राफ्ट। द स्कैन मिरर विच इज इंक्लाइंड एट 45 degrees माउंटेड ऑन द वन एंड ऑफ द शाफ्ट स्वीप्स द टेरेन एट ए राइट एंगल टू द फ्लाइट पाथ। तो जैसे कि मैंने आपको एक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम में बताया था कि जो स्कैन मिरर होता है, तो जो स्कैन मिरर होता है 45 इंक्लाइंड होता है, वन एंड ऑफ द शाफ्ट स्वीप द टेरेन एट राइट एंगल टू द फ्लाइट पाथ। तो जिस जो उसकी फ्लाइट पाथ होती है मीन्स जिस डायरेक्शन में फ्लाइट होती है उसके परपेंडिकुलर 90 degrees में स्वीप करता है टेरेन को, और जो भी हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको रिकॉर्ड करता है। और जो स्कैन मिरर होता है वो 45 degrees माउंटेड होता है, इंक्लाइंड होता है हमारे पास एक शाफ्ट के कॉर्नर पर। तो वो हम डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक्रॉस ट्रक का ही है कि फ्लाइट पाथ के परपेंडिकुलर को ये हमारे पास टेरेन को स्वीप करता है हमारे पास। दिस स्कैन मिरर ऑल्सो डिटेक्ट्स द इंफ्रारेड एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द टेरेन। तो ये थर्मल इंफ्रारेड के साथ साथ क्या थर्मल इंफ्रारेड जो एनर्जी होती है उसको, जो टेरेन से एमिट होती है उसको डिटेक्ट करता है। लेटर इट सेंड्स द एनर्जी टू फोकसिंग मिरर्स वेयर द एनर्जी गेट डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। तो सारा काम कौन करेगा, जो भी हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डिटेक्टर करेगा। तो जो भी एनर्जी हमारे पास कलेक्ट होती है वो हमारे पास किसके पास भेज दी जाती है, वो डिटेक्टर के पास। द डिटेक्टर कन्वर्ट द एमिटेड एनर्जी इंटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द सिग्नल वेरीज इन प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जितना भी स्कैनिंग सिस्टम होता है उनका एक ही ये लास्ट में प्रिंसिपल होता है कि डिटेक्टर तक एनर्जी पहुँचाई और फिर एनर्जी की जो वेरिएशन होती है मीन्स उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे पास इमेजेस क्रिएट होती हैं। तो ये जो एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन है
उनकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे पास सिग्नल जो है जो डिटेक्टर कन्वर्ट करता है हमारे पास एमिटेड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वेरी करते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे। डिटेक्टर इज नॉर्मली प्लेस्ड ऑन ए बाई ए वैक्यूम बॉटल फील्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन। तो डिटेक्टर जो है जनरली हमारे पास एक वैक्यूम बॉटल में रखा जाता है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन से भरा होता है। इस सिर्फ थर्मल स्कैनर के बारे में बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक्रोस्टैक स्कैनिंग सिस्टम का इतना सारा प्रोसीजर नहीं होता, ये मैं आपको थर्मल स्कैनर के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो डिटेक्टर्स होते हैं वो जनरली वैक्यूम बॉटल फील्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर होते हैं। ए सेकेंड मिरर नोन एज रिकॉर्डर मिरर प्लेस्ड एट अनदर एंड ऑफ द शाफ्ट रोटेट सिंक्रोनाइजली विद द स्कैन मिरर स्वीप्स द इमेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड लाइट सोर्स अक्रॉस स्ट्रिप ऑफ रिकॉर्डिंग फिल्म। तो अब आप डायग्राम में देखिए जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले तो हमारे पास क्या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारे पास अक्रॉस ट्रैक में डिटेक्ट करता है, मीन्स स्वीप करता है लैंडस्केप को। तो ये जो इंस्टेंटेनियस फील्ड व्यू है वो ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल बाकी सब की तरह, ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले स्कैन मिरर है और मोटर है, उसके अपोजिट साइड एक साइड तो हमारे पास स्कैन मिरर होता है और दूसरे एंड पे हमारे पास रिकॉर्डेड मिरर होता है। जैसे कि हमने देखा ये हमारे पास 45 डिग्री माउंटेड होता है स्कैन मिरर जो है हमारे पास। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन के हमारे पास जो डिटेक्टर होता है वो हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन के पास होता है, मीन्स अक्रॉस होता है लिक्विड नाइट्रोजन के। यहाँ पे लिखा है ना कि डिटेक्टर नॉर्मली प्लेस्ड बाय ए वैक्यूम बॉटल फील्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन। और ये जो हाई डेंसिटी मैग्नेटिक टेप्स है वो हमारे पास यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, जो भी डेटा आता है उसको, जो भी मीन्स सिग्नल्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए। एम्पलीफायर का काम हमारे पास एम्पलीफाई करना, हमारे पास जो भी लो इंटेंसिटी की रेडिएशंस हमारे पास रिकॉर्डेड होती हैं उनका काम है। तो देखिए अब डिटेक्टर है अक्रॉस द वैक्यूम पाइप ऑफ द फील्ड विद द लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ऑप्शनल फिल्म रिकॉर्डर ऑप्शनल है हमारे पास, उसके बाद मॉड्यूलेटेड लाइट सोर्स होता है। तो ये सारा जो काम है वो हमारे पास एमिट करने का है कि जो भी ग्राउंड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे पास थर्मल रेडिएशंस को इंफ्रारेड की, जो थर्मल इंफ्रारेड की रेडिएशंस होती हैं वो एमिट होती हैं, उनको स्कैन करते करते ये डिटेक्ट करता है। और फिर जो बाकी का काम होता है ये तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होगा, और ये हमारे पास जितनी विड्थ को कवर कर रहा है स्वाथ कहते हैं, वो हमारे पास उस एंगल को कितना कहते हैं एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। तो जो अक्रॉस ट्रैक का सिंपल प्रोसीजर प्रिंसिपल होता है वही हमारे पास ये फॉलो करता है थर्मल स्कैनर। इसके अंदर कुछ चीज़ें बस जो ध्यान में रखने वाली हैं, एक तो ये थर्मल इंफ्रारेड के रेंज पर काम करता है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर स्कैन मिरर होता है, एक मोटर के एक साइड स्कैन मिरर और दूसरी साइड हमारे पास रिकॉर्डेड मिरर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कंट्रोल रेडिएंट टेम्परेचर सोर्स भी होते हैं इसके अंदर, कंट्रोल रेडिएंट टेम्परेचर सोर्स होते हैं। और डिटेक्टर जो होता है वो अक्रॉस बाय द वैक्यूम फील्ड वैक्यूम बॉटल फील्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये दो तीन चीज़ें आपको बस याद रखनी है थर्मल स्कैनर के अंदर, और जो भी इसका प्रिंसिपल है स्कैन करने का वो हमारे पास अक्रॉस ट्रैक की तरह ही है पूरा। इसके अंदर हमारे पास अब मैंने हीट के बारे में बताया, फिर थर्मल क्या टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो इसके अंदर जो हमारे पास जो मैपिंग मिशन जैसे हीट कैपेसिटी मैपिंग मिशन किस पर काम करेगा, थर्मल रेडिएशंस पर काम करता है। जैसे एक ये एग्जाम्पल है हीट कैपेसिटी मैपिंग मिशन SCMM डिटेक्ट रेडिएशन इन टू बैंड्स विच वर विजिबल नियर इंफ्रारेड एंड थर्मल इंफ्रारेड। तो जनरली इसके अंदर दो बैंड पर काम करता है, विजिबल या फिर नियर इंफ्रारेड के लिए या फिर थर्मल इंफ्रारेड पे, या फिर नहीं मतलब दोनों के लिए और थर्मल इंफ्रारेड पे। द लैंडसैट 3 MSS TM बोथ इंक्लूडेड थर्मल बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो हमने अक्रॉस ट्रैक का एग्जांपल देखा था लैंडसैट MSS और TM, वो भी हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड थर्मल बैंड को इंक्लूड करते हैं। तो जो भी हमने एग्जांपल पढ़े थे अक्रॉस ट्रैक का उसके अंदर हमारे पास थर्मल बैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास लैंड
सर टीएम में आपको याद होना चाहिए, एक तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी है कि कितने बैंड्स होते हैं, 7 बैंड्स होते हैं। अब 7 बैंड्स है तो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन भी मिलेगा और स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास क्या, इसके जो रेडियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है ये सब हम क्या रिजोल्यूशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो जो रेडियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमारे पास बेटर होती है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं हमारे पास। तो लैंडसैट टीएम क्या हैव 7 स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड प्रोवाइड मोर रेडियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देन द लैंडसैट एमएसएस जिसके अंदर हमारे पास 4 बैंड्स होते हैं एमएसएस के अंदर। फिर हमारे पास क्या थर्मल इन्फ्रारेड मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है टीआईएमएस, वो भी हमारे पास क्या करता है विच वॉज डेवलप्ड बाय द जेट नासा के द्वारा, कलेक्ट डेटा विद 6 थर्मल बैंड्स रेंजिंग फ्रॉम 8.2 से 12.2 माइक्रोमीटर। तो ये जो 8.2 से 12.2 माइक्रोमीटर है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखोगे तो वो थर्मल इन्फ्रारेड की रेंज में लाई करता है। तो ये एक टीआईएमएस है थर्मल इन्फ्रारेड मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि ये किसके इसके अंदर कितने बैंड्स होते हैं और किस रेंज के बैंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या 6 थर्मल बैंड्स को कैरी करता है। फिर हमारे पास मोडिस, मोडिस के बारे में तो पूछा गया है। तो ये भी हमारे पास क्या है मोडिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए कि मोडिस की फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछ ली जाए कि मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर वाज लॉन्च्ड इन 1999 विद 36 स्पेक्ट्रल बैंड्स। इसके अंदर कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं ये सब हमारे पास क्या मल्टी स्पेक्ट्रल के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास 36 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं एंड स्पेशल रिजोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 250 to 1000 meters होता है हमारे पास। तो मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है हमारे पास एस्टर एडवांस्ड स्पेस बॉर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। तो इनके आप एक बार फुल फॉर्म जरूर देख लेना कि अगर क्वेश्चन आए भी गेट एग्जाम्स में तो आपको क्लिक कर जाए माइंड में, ऑप्शंस तो वो देगा ही देगा तो उसमें हम चूज करके ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। तो एस्टर की फुल फॉर्म क्या हमारे पास एडवांस्ड स्पेस बॉर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर हैज 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स। तो मोडिस के अंदर मोडिस है वो याद करने के लिए मोडिस तो 36 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं लेकिन एस्टर के अंदर हमारे पास कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं एंड स्कैन्स द टेरेन इन विजुअल नियर इन्फ्रारेड शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड एंड थर्मल इन्फ्रारेड विद स्पेशल रिजोल्यूशन 15 मीटर 30 मीटर 90 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो जनरली देखा जाए कि ये जो एस्टर होता है एक तो 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। अब ये 14 बैंड्स जो है वो कौन कौन सी रेंज के होते हैं विजुअल या नियर इन्फ्रारेड के अंदर शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड या फिर थर्मल इन्फ्रारेड। तो ये या फिर नहीं मतलब ये 3 बैंड्स रेंज होती है हमारे पास वेवलेंथ की जिसके अंदर हमारे पास 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स के अंदर डिवाइडेड है। अब अगर हमारे पास जो विजिबल के अंदर वो डिटेक्ट कर रहा है रेडिएशंस को तो उसका रिजोल्यूशन हमें 15 मीटर मिल जाएगा मींस बेटर में होगा 15 मीटर। फिर शॉर्ट वेव के केस में 30 मीटर मिल जाता है और थर्मल इन्फ्रारेड के केस में हमारे पास 90 मीटर रिजोल्यूशन मिलता है हमारे पास। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। जनरली लास्ट ईयर जो गेट ज्योमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये जो रिजोल्यूशन के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे तो आपको याद रखने होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स भी जो भी पूछे गए तो वो भी सॉल्व करने हैं। तो जनरली जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था वो 30 मीटर के रिजोल्यूशन पे, तो जिस सैटेलाइट्स का जिस स्कैनर का रिजोल्यूशन 30 मीटर है उस चीज़ को तो आप याद रखिए एटलीस्ट। उसके बाद तो हमारे पास AVHRR होता है, नाम से पता चल रहा है एडवांस वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर ऑफ द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा हैज थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर्स इन 2 थर्मल एटमॉस्फेरिक विंडोज 3.55 to 3.93 माइक्रोमीटर एंड 10.5 to 11.5 माइक्रोमीटर विद ए ग्राउंड रिजोल्यूशन ऑफ 1.1 किलोमीटर टू मेजर टॉप क्लाउड टेम्परेचर एंड सी वाटर टेम्परेचर। तो इसका वर्क क्या है हमारे पास AVHRR का एडवांस्ड वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर का जो वर्क है वो मेजर करता है टॉप क्लाउड टेम्परेचर को, साथ के साथ जो सी वाटर का टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है और जिसका ग्राउंड रिजोल्यूशन हमें कितना मिल जाता है 1.1 किलोमीटर तक। अब मैंने आपको ये एटमॉस्फेरिक विंडो बताया था कि जिसमें हमारे पास रेडिएशन अर्थ तक पहुँच जाती है, तो ऑब्वियसली जो अर्थ से
एमिट होती हैं वो वाली रेडिएशन भी स्कैनर तक तभी पहुँचेंगी जब वो एटमॉस्फेयर से पास आउट हो जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी उसको। तो हमारे पास ये दो विंडोज हैं, 3.55 से 3.93 माइक्रोमीटर और 10.5 से 11.5 माइक्रोमीटर, जो थर्मल इंफ्रारेड के अंदर आते हैं। और यही दोनों बैंड्स का यूज करके AVHRR हमारे पास क्लाउड की टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन और सी वाटर की टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि AVHRR का क्या काम है, कितने हमारे पास नंबर ऑफ थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर्स होते हैं, हमारे पास दो होते हैं, और वो काम क्या करता है, क्लाउड के टेम्परेचर को मेज़र करता है और जो समुद्र के पानी का टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करता है। तो इसका वर्क पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्मल सेंसर्स असेंशियली मेजर द सरफेस टेम्परेचर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस थर्मल इमेजरी हैज़ डाइवर्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज एंड फॉर लोकेटिंग अंडरग्राउंड कोल माइन फायर्स, सॉइल साइंस, सॉइल मैपिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंडीशंस एंड फॉरेस्ट्री। तो जनरली जो हम थर्मल सेंसर्स क्या करता है, जो एमिट होती है हमारे पास थर्मल रेडिएशंस उनको मेजर करता है। तो मतलब कि सरफेस टेम्परेचर को मेजर करता है और उसके बेस पे हमारे पास इमेजेस क्रिएट करता है। जो भी इंटेंसिटी हमारे पास स्कैनर तक पहुंचती है उसके बेसिस पे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसको जनरेट करता है इमेजेस को। तो जो थर्मल इमेजरी होती है, अब हमारे पास अर्थ के ऊपर बहुत सारी अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, हमारे पास बहुत सारा फीचर जो है वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारे पास सॉइल होती है, फिर हमारे पास मान लीजिए कहीं पर जियोलॉजी मतलब के कोल माइंस वगैरह होती हैं या फिर फॉरेस्ट्री है, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोल माइन फायर्स के अगर डिटेक्शन करना है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इमेजेस के अंदर जो है हमारे पास उस बेसिस पे कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। मीन्स आपको अगर आपने कभी कोई इमेज देखी होगी तो मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड फीचर को उसने स्वीप किया और हमारे पास यहाँ पर कोल माइन है जहाँ पे हमारे पास, या फॉरेस्ट मान लीजिए, फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर है, तो इससे जो हमारे पास रेडिएशन एमिट होंगी थर्मल रेडिएशन वो ज़्यादा होंगी, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इस पोर्शन की क्या हमारे पास ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। जब इमेज क्रिएट होगी डिटेक्टर के द्वारा और इंटेंसिटी इस पोर्शन से ज़्यादा मिलेगी थर्मल रेडिएशन की, तो ये ब्राइट हो जाएगा और जहाँ जहाँ पर आग होगी वो चीज़ हमारे पास डार्क हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर पोर्शन। तो इससे हम क्या फायर वगैरह को, कोल माइन फायर्स हो गई, फॉरेस्ट की फायर्स हो गई, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है फॉर द अर्बन स्टडी अर्बन लैंड सरफेस टेम्परेचर। तो अर्बन एरियाज में हमने देखा होगा अर्बन हीट प्लानिंग, अर्बन हीट होता है तो अर्बन लैंड सर्फेसिस के टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो यूजफुल है, मतलब कि जो थर्मल सेंसर्स हैं वो हीट या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और उसको एनालिसिस करके हम डिसीजन ले सकते हैं। तो SLAR क्या था हमारे पास, SLAR हमने पढ़ा था, साइड लुकिंग एयरबोन रडार इज एन एयरबोन रडार व्यूइंग एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल के परपेंडिकुलर देखता है, विच प्रोड्यूसेज ए प्रेजेंटेशन ऑफ टेरेन और मूविंग टारगेट्स। तो जो भी टेरेन की इन्फॉर्मेशन होती है वो चीज़ मिल जाती है। द प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट ऑफ SLAR ट्रेवल्स फॉरवर्ड इन द फ्लाइट डायरेक्शन विद द नादर डायरेक्टली बीनीथ द प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जब SLAR जो मूव करता है, जो मीन्स एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट पर हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वो जो फ्लाइट डायरेक्शन होती है वो नादिर के एग्जैक्टली नीचे होती है, नादिर के, तो जो नादिर होता है वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के बीनीथ होता है हमारे पास। ये इतना चीज़ नहीं है जितना कि हमारे पास इसके वर्क और जो भी हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन था, इसका काम क्या है, इसके अंदर जो भी हमने ये सैटेलाइट्स पढ़े, स्कैनिंग सिस्टम्स पढ़े, उसके अंदर कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्या माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास रडार के अंदर होता है वैसे ही हमारे पास माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम जो है जनरली एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है हमारे पास। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो माइक्रोवेव रेंज होती है वो सिर्फ एक्टिव के लिए वर्क करती है, वो हमारे पास पैसिव के लिए भी करती है। तो दो टाइप्स के होते हैं इसके इमेजिंग सिस्टम, पर जो इसके अंदर
वेवलेंथ की जो डिटेक्शन होती है या फिर जिस वेवलेंथ की रेंज पर काम करते हैं वो जनरली माइक्रोवेव रेंज के अंदर काम करते हैं, जिसकी रेंज होती है हमारे पास जनरली 1 mm टू 1 meter तक। तो ये देखते हैं कि द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स द वेवलेंथ फ्रॉम 1 mm टू 1 meter। द एडवांटेजेज ऑफ द माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इज दैट माइक्रोवेव्स आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द एटमोसफेयर वेयर व्हेन इट इज विद कंडीशंस लाइक क्लाउड कवर, स्नो एंड स्मोक। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ती है, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे उसमें देखोगे कि एक साइड के हमारे पास वेवलेंथ बढ़ती है, तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे तो उसके अंदर क्या देखोगे, कॉस्मिक रेज होती हैं, फिर गामा रेज होती हैं, फिर यूवी रेज होती हैं, फिर विजुअल रेज होती हैं, फिर हमारे पास इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो जैसे जैसे इनकी क्या वेवलेंथ बढ़ती है, अब वेवलेंथ बढ़ती है तो वो क्या हमारे पास क्लाउड्स वगैरह या जो एटमोसफेयर के जो उनको रोकने के जो होते हैं वो उनको पेनिट्रेट कर जाती है, और फिर उससे क्या हमारे पास ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हमें बेटर मिलती है, क्योंकि वो ग्राउंड तक ईजिली पेनिट्रेट करके, एटमोसफेयर को पेनिट्रेट करके पहुंच जाती है। तो माइक्रोवेव भी हमारे पास एक रडार की तरह एग्जांपल है। माइक्रोवेव का एडवांटेज यही है कि दे आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द एटमोसफेयर व्हेन इट इज़ विद कंडीशंस मींस क्लाउड कवर है, स्नो है या फिर स्मोक है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं और हमें ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी ऑफ सेंसिंग इन डे और नाइट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि माइक्रोवेव जो है जनरली एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। अब एक्टिव है तो नाइट में भी यूज कर सकते हैं उसको, और पैसिव है तो उसको डे में भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्टिव एंड पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। नाम से मैंने आपको कई बार बता दिया कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग कौन सा होता है, जो हमारे पास अपना एनर्जी सोर्स या फिर जो खुद ही रेडिएशंस को एमिट करे, ट्रांसमिट करे और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक होके डिटेक्ट करे, तो वो हमारे पास एक्टिव का केस होता है। और जिसके अंदर हमारे पास, हम फिर से एक बार देखते हैं माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम क्या होता है, कि माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो होता है 1 mm से 1 meter लेंथ की वेवलेंथ को। तो माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो जनरली जो स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, 1 mm टू 1 meter। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड कवर है, स्नो हो रही है या फिर स्मोक है, और हमें ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उसको रिमोट सेंसिंग पर्पज़ के लिए यूज करना है, तो हम माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पेनिट्रेट कर जाती हैं, जो इसकी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो ज़्यादा होती है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखोगे तो इसकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि एक टेबल थी, मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ बढ़ने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्मिक रेज, फिर हमारे पास गामा रेज, फिर हमारे पास यूवी रेज, फिर विजुअल रेंज आता है हमारे पास 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, फिर हमारे पास इंफ्रारेड आता है, फिर हमारे पास माइक्रोमीटर माइक्रोवेव आता है, फिर रडार आता है, रेडियो वेव्स आती हैं। तो ये हमारे पास क्या, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये ईजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं एटमॉस्फेयर से। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी ऑफ सेंसिंग इन डे एंड नाइट। और जो माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम है वो दिन में पैसिव सेंसर होते हैं, साथ के साथ हमारे पास नाइट में भी इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव टाइप के भी होते हैं। एक्टिव में मैंने आपको बताया ही है कि क्या होता है, खुद का एनर्जी सोर्स होता है, मीन्स खुद से ट्रांसमिट करते हैं रेडिएशंस को और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर उनको डिटेक्ट करते हैं। तो माइक्रोवेव जो इमेजिंग सिस्टम है उनको दो में क्लासिफाई किया गया है, एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव रिमोट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, इसको भी दो में डिवाइड किया गया है, एक तो इमेजिंग सेंसर होता है, दूसरा हमारे पास नॉन इमेजिंग सेंसर होता है। इमेजिंग सेंसर में मैंने आपको बताया फोटोग्राफी फिल्म वगैरह होती है, तो फोटोग्राफ्स जो इमेजेस मिलती हैं वो मिलती हैं। और जो इमेजिंग सेंसर है उसका एक एग्जांपल हमने अभी देखा ही था, SLR साइड लुकिंग अपर साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार हमने देख लिया था अभी। तो वो एग्जांपल किसका है, इमेजिंग रडार्स का। अब इमेजिंग रडार्स को दोबारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो रियल अपर्चर होता है, एक सिंथेटिक अपर्चर सिस्टम होता है। तो इस सबका एग्जाम्पल हमने देख लिया, ये सब इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि गेट एग्जाम्स में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हम सिर्फ गेट एग्जाम के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, तो
इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन एनफ है। दूसरे जो हमारे पास टाइप्स होता है वो होता है हमारे पास पैसिव। पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या है, नॉन इमेजिंग रिमोट सेंसिंग रडार्स, इधर स्कैटरोमीटर्स और अल्टीमीटर्स। तो ये जो स्कैटरोमीटर्स या अल्टीमीटर्स है वो एग्जांपल किसका है, नॉन इमेजिंग रिमोट सेंसिंग का। इमेजिंग का हमने क्या देखा, SLAR देखा। पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स कॉल्ड रेडियोमीटर्स मेजर द नेचुरल एमिटेड एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। अब नाम से पता चल रहा है पैसिव, तो वो जो नेचुरली जैसे सन होता है उससे जो रेडिएशन, उसकी वजह से जो अर्थ से रेडिएशन होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। तो नेचुरल एमिटेड जो होती है एनर्जी उसको डिटेक्ट करता है। द सुटेबल एंटीना कलेक्ट द एमिटेड एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट एज ए सिग्नल। तो इसका वर्कआउट बता रखा है कि पैसिव कैसे काम करता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि जो एंटीना होता है वो कलेक्ट करता है जो एनर्जी एमिट हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर उसके पास पहुँच रही है, उसके बाद हमारे पास उसको सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जैसे डिटेक्टर करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन इक्विवेलेंट टेम्परेचर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जनरली टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है, डेट इज टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी सोर्स विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल इन बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। पैसिव रिमोट सेंसिंग इज पॉसिबल इफ द रेडियोमीटर इज यूज्ड इन स्कैनिंग मोड जस्ट लाइक द ऑप्टिकल स्कैनर। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग के हमारे पास रेडियोमीटर की तरह जैसे ऑप्टिकल सेंसर का यूज होता है, वैसे ही अगर हम रेडियोमीटर को यूज करते हैं तो पैसिव रिमोट सेंसिंग पॉसिबल है हमारे पास। तो एक तो हमारे पास जो इसमें याद करने वाली चीज़ है, पैसिव रिमोट सेंसिंग नाम से पता चल रहा है कैसे वर्कआउट करता है, उसके बाद मीन्स उसका प्रिंसिपल क्या है, और हमारे पास जो नॉन इमेजिंग रिमोट सेंसिंग होता है उसका एग्जांपल है स्कैटरोमीटर्स या अल्टीमीटर्स। इनको क्या कहते हैं, जो पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं उनको रेडियोमीटर्स भी कहते हैं। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है माइक्रोवेव सेंसर में, और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा तो गेट एग्जाम्स में वो हमारे पास ऑप्शंस देता है, तो उससे आपके माइंड में क्लिक कर जाता है उस वक्त। उसके बाद हमारे पास जो अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड यूनिट इमेज रिजोल्यूशन, जो इम्पोर्टेंट है गेट एग्जाम्स के पर्पज पे। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, तो ये चीज़ हम अच्छे से समझेंगे कि इमेज रिजोल्यूशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है हमारे पास। हमने बार बार ये वर्ड सुने हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो ये चारों चीज़ों का मीनिंग और इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद रिजोल्यूशन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये चार टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करेंगे, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।